राघव चड्ढा ने उपचुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है? मुझे दो साल अपनी इस भूमि की, जन्म भूमि कर्म भूमि राजेंद्र नगर विधानसभा की सेवा करने का मौका यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, मेरे सभी राजेंद्र नगर परिवार के साथियों ने दी और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में भी राजेंद्र नगर विधानसभा के लोग बीते 7 सालों में जो हमारी सरकार द्वारा किए गए काम है उसको मद्देनजर रखते हुए करीब करीब 2 साल विधायक के तौर पे मैंने जो काम किए उसके मद्देनजर एक बार फिर से एक ऐसी पार्टी को, एक ऐसे शख्स को मौका देंगे जो इस काम की रफ्तार को, काम की राजनीति की रफ्तार को रुकने नहीं देंगे। इस क्षेत्र में और अच्छे स्कूल बने, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बने, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस मिले और बेसिक अमेनिटीज से लेकर सबको एक सम्मान का जीवन मिले, उस दिशा में आगे जाकर वोट डालेंगे। गर्मी का दिन भी है, वर्किंग डे भी है, लेकिन फिर भी मैं सारे राजेंद्र नगर विधानसभा के मतदाताओं से अपील करता हूँ कि भारी से भारी तादाद में अपने घरों से निकलकर वोट डालें। वोट डालना सिर्फ उनका राइट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वोट डालना सिर्फ उनका एक अधिकार नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी है। और मैं तो अक्सर राजेंद्र नगर विधानसभा के लोगों को कहता हूँ कि आपको तो 1+1 का ऑफर मिला है, एक विधायक बनाया था उसका प्रमोशन हो गया, वो सांसद बन गया, अब एक और विधायक आ जाएगा तो 1+1 के ऑफर से एक और एक की जोड़ी, 11 की जोड़ी बनकर यहाँ काम करेगी और काम की रफ्तार को हम रुकने नहीं देंगे। तो हाथ जोड़कर सबसे अपील है कि भारी तादाद में घरों से निकलकर वोट डालें और डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में, लोकतंत्र के इस त्यौहार में हिस्सा लें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं।